आज मैं आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप उसको प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में एक टेबलस्पून ऑयल ऐड करके गर्म होने देंगे। तो तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। दो इसमें तेज पत्ते, एक काली इलायची, एक इंची दालचीनी, दो से तीन हरी इलायची, दो लौंग, दो से तीन साबुत काली मिर्ची, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। तो जीरा अब अच्छी तरह से पॉपअप हो गया है। एक रफली कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। तो प्याज को हल्का सा भून लिया है। अब इसमें एक टेबलस्पून भीगा हुआ काजू ऐड करेंगे, एक रफली कटी हुई हरी मिर्च, मिक्स करके एक रफली कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे अच्छी तरह से पकने देंगे। तो लो गैस फ्लेम पे ढक्कन लगाकर थोड़ा सा पका लिया है, जिससे सब्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे, मिक्स करके फिर से दोबारा से ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देखते हो प्याज और टोमेटो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। इसमें जो साबुत गर्म मसाले हैं उनको निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो अरोमा है ऑलरेडी अंदर तक आ चुका है। बाकी जो छोटे मसाले हैं उनको ऐसे ही रहने देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे पीसने में आसानी रहे। तो जब तक ग्रेवी के लिए टोमेटो और प्याज ठंडा नहीं हो जाता है, तब तक पालक को ब्लांच करेंगे। तो करीब 300 ग्राम पालक लिया है। नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से 3 से 4 बार धो लिया था, जिससे इसमें जो मिट्टी है वो निकल जाए। कढ़ाई में पानी लिया है, थोड़ा सा इसमें नमक डाल के पानी को अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। तो पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, पालक को ऐड करेंगे और ब्लांच करेंगे। जैसे ही पालक बॉयल होगा इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। जारे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जिससे अच्छी तरह से मिल जाए, यानी पालक में 1 से 2 उबाल आने तक ब्लांच करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो इसका डिसकलर हो जाएगा। तो पालक अच्छी तरह से ब्लांच हो गया है, यानी 1 से 2 बार ही ब्लांच करना है, ज़्यादा नहीं करना है। गैस को बंद कर देंगे, आइस वाटर में डाल देंगे। तो मैंने बाउल के अंदर ठंडा पानी लिया है। अभी सर्दी का मौसम है तो ठंडा पानी इनफ है। अगर गर्मी है तो आप बाउल में थोड़ा आइस क्यूब डाल दीजिए, जिससे जो पालक हमने ब्लांच किया है उसका कलर एज इट इज़ कलर चेंज नहीं हो। तो आप देखते हो ठंडे पानी में पालक डालने के बाद उसका जो कलर है बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर है। अब इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। तो पालक का जो पानी था उसको निकाल दिया है। अब ग्राइंडर जार में पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। जब भी आप इसको पालक में से पानी निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा स्क्वीज नहीं करना है, थोड़ा सा पानी रखना है, जिससे प्यूरी बनाने में आसानी रहे। तब दूसरे बाउल में निकाल देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने बॉयल किए थे वो अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। ग्राइंडर जार में पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे। तो आप देखते हो बहुत ही अच्छी तरह से प्यूरी बन गई है। इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके करीब 25 से 30 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो हमने पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे पकने देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है। तो पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह से धीमी आंच पे पकने देंगे। तो करीब 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाल रखी है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो आप देखते हो मसाला अच्छी तरह से पक गया है और इसके ऊपर रोगन आना शुरू हो गया है। अब इसमें जो हमने पालक का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। ग्रेवी में पालक प्यूरी को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। वैसे ज़्यादा पकाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ग्रेवी और पालक ऑलरेडी पके हुआ है। तो ढक्कन लगाकर पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 200 ग्राम क्यूब्स में कटा हुआ पनीर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो पनीर को हल्का सा सेलो फ्राई कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप पनीर को ऐड कर लीजिए। मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मलाई ऐड करेंगे। आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको ऐड करना हो ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए। तो आप देखते हो पालक पनीर अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर रोगन भी आ गया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लीजिए। वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने होल मसाला जब हमने ग्रेवी बनाई थी उसमें डाला हुआ है, तो उसका अरोमा ऑलरेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे। तो अब पालक पनीर बनकर तैयार है, गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।